वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज हम लोग लेसन टू डिस्कस करेंगे, ए लेटर टू गॉड। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आज डिस्कस करेंगे। पेपर में इसे आप देखकर जरूर जाइएगा। जीएल फ्यून्स इसके राइटर हैं। शॉर्ट आंसर, पहला क्वेश्चन, हु वॉज लिंचो, वेयर डिड ही लिव। आंसर देंगे आप, लिंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ही लिव्ड इन अ हाउस विच सिचुएटेड इन अ वैले एट द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वॉट वॉज लिंचोज प्रॉब्लम? लिंचोज प्रॉब्लम वॉज दैट हिज हार्वेस्ट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई द हिल स्टॉर्म। वाई डिड लिंचो से टू द पोस्टल एम्प्लॉई द बंच ऑफ क्रूक? लिंचो डिस्क्राइब्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एज ए बंच ऑफ क्रूक बिकॉज ही थॉट दैट दे हैड पुट द थर्स्टी पुट द 30 पैसेस आउट ऑफ 100 पैसेस सेंट बाई गॉड। नेक्स्ट लॉन्ग, इसका अगर आपके पेपर में आता है तो आप कैसे लिखेंगे? हाउ डिड लिंचो गेट हिज रुपीज एंड हाउ मच रुपीज ही गेट? एक्चुअली सिलेबस कट हो गया है तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करके जाइएगा। अगर लॉन्ग आता है तो लॉन्ग आपको ये याद करना है, शॉर्ट आता है तो शॉर्ट में ये दो पढ़ के जाना है अच्छे से। हाउ डिड लिंचो गेट हिज रुपीज एंड हाउ मच रुपीज ही गेट? लिंचोज फील्ड नीडेड रेन बैडली। ही वॉज हैप्पी टू सी क्लाउड्स इन द स्काई, इट बिगन टू रेन एंड लिंचो वॉज ओवरजॉयड बट हिज जॉय एंडेड वेरी सून when hell rained out on the whole valley. His crop was totally destroyed. His worry was that he with his family will have to starve the whole year. He had lost all hopes. There was only one hope. It was help from God. So he wrote a letter to God. He prayed to God in his letter to send him 100 pesos. The postmaster opened the envelope and read the content of the letter. He became serious. The content of the letter touched his heart and he decided to help Lencho. Then he collected money from his employee and friends. He collected 70 pesos and sent to Lencho. But according to his faith, he got 70 pesos as help in थोड़ा सा गड़बड़ कुछ लिखा है, डिस्कस कुछ करके लिखा है, इसको थोड़ा मैं देख लूँगा बाद में। आप इसको, ही गॉट 70 पैसेस एज ए हेल्प, एज ए हेल्प करके फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। बट ही वॉज एंग्री बिकॉज ही टॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड पुट द 30 पैसेस एंड आउट ऑफ 100 पैसेस सेंट बाई गॉड। उसको लगता था कि 100 रुपये भगवान ने भेजे हैं और उसमें से 30 पैसा निकाल लिया है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने, इसीलिए पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को उसने बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, ठगों का जो वो ढेर बोला था। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लिंचो। लिंचो लिव्ड इन ए लॉनली हाउस सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। हिज ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड वॉज फार्मिंग। हार्ड वर्कर, ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। अब आप कुछ हेडिंग्स में लिंचो के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। पहली हेडिंग आप डालेंगे ए होपफुल मैन। द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड अवे हिज फील्ड कम्प्लीटली, एट ही हैड नॉट फेल्ट लेफ्ट होप। इट इज ओनली होप वॉज फ्रॉम गॉड हुज आईज सी डीप इनटू द कंसर्न्स ऑफ मैन। ए सिंपल मैन, ही वॉज ए सिंपल मैन। ही डिड नॉट नो दैट गॉड इज नॉट ए लिविंग बींग। द लेटर बाई पोस्ट आर मीन टू डिलीवर टू पर्सन ऑन अर्थ, इसलिए उसे सिंपल मैन बोला गया। हिज स्ट्रॉन्ग फेथ, लिंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। गॉड हेल्प्ड हिम इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट मास्टर हु सेंड हिम 70 पैसेस। स्टिल लिंचो थॉट दैट गॉड वुड नॉट मेक सच मिस्टेक, इट वॉज सम मिसचीफ प्लेड बाई द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ही अगेन रोड टू गॉड टू सेंड 30 पैसेस पुट नॉट थ्रो पोस्ट ऑफिस, सच अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड ही हैड।
इस तरह से दोस्तों आपका दूसरा चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे बहुत जल्द, नया लेसन 3 लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।